अगर इनको इनके घर पे रोजगार मिल गया होता तो शायद यहाँ पे आके रोजगार नहीं करते ये लोग। कोई जरूरत नहीं था। अब इन लोगों से क्या लोग मरे हैं उनका नाम सुनिए, बिट्टू राम, दीपक राम, सिकंदर राम, दरोगा राम, अंकज राम, सिंधु कुमार, दामोदर कुमार, राजेश कुमार, सत्येंद्र राम, गोलू राम। जब जान देने की बारी आती है तो सबसे आगे जो है हम बिहारी खड़े हो जाते हैं, चाहे वो सीमा पे हो और चाहे वो किसी कंपनी में हो। अभी मैं हैदराबाद के अमरपेट के गोविंद नगर में हूँ और यहाँ पे सभी जो है आप देख सकते हैं मजदूर हैं, और ये सभी लोग भी जो है वो स्क्रैप की कंपनी में काम करते हैं। और कुछ दिन पहले 11 मजदूर जो है वो लोग आग के वजह से मर गए, वो सभी भी स्क्रैप की कंपनी में ही काम करते थे, जिसमें से 12वां आदमी अभी बचा हुआ है जिसका इलाज चल रहा है। इन लोगों का दुख दर्द जानने के लिए यहाँ पे बिहार से कोई नेता नहीं आया, कोई व्यक्ति इन लोगों का दुख बांटने का प्रयास नहीं किया, कोई इन लोगों का मदद करने का प्रयास नहीं किया। क्यों नहीं किया, आज हम लोग इन्हीं लोगों से जानेंगे। और बिहार के नेताओं से भी विनती करूँगा, बिहार के लोगों से भी विनती करूँगा कि हो सके तो एक प्रयास करें बिहार को बचाने का, बिहार के गरीब लोगों को बचाने का, बिहार के मजदूरों को उनका हक दिलाने का। हैदराबाद के अंबरपेट में अभी मैं हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सभी गरीब मजदूर हैं और सभी लोग बिहार के हैं और सभी लोग दिन रात मेहनत करते हैं, और मेहनत इसलिए करते हैं कि अपने परिवार का पेट भर सकें। और इन्हीं लोगों के जानने वाले कुछ लोग, इन्हीं लोगों के भाई, इन्हीं लोगों के मित्र, इन्हीं लोगों के रिश्तेदार कुछ दिन पहले एक कबाड़ की कंपनी में रात में सोए हुए थे, आग लगी और 12 में से 11 लोग जल के मर गए। सरकारों ने वादा किया कि हम उनकी मदद करेंगे, लेकिन किसी भी सरकार ने अभी तक कुछ मदद नहीं किया है। कागजों पे तो मदद हो चुका है लेकिन जमीन पे अभी 0%। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम मिंटू कुमार हुआ। अच्छा, आपके कितने लोग थे उस आगजनी में? उसमें सर टोटल 12 आदमी थे। हाँ। लेकिन उसमें से 11 आदमी अपना समर्पित कर गए और एक आदमी बचा है, उनको ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। और देखिए, गरीबी मिटाने के नाम पे गरीबों को किस प्रकार से मिटाया जा रहा है उसका जीता जागता उदाहरण मैं बता रहा हूँ। जाति के नाम पे वोट करने वाले बिहार के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग मरे हैं उनका नाम सुनिए, बिट्टू राम, दीपक राम, सिकंदर राम, दरोगा राम, अंकज राम, सिंधु कुमार, दामोदर कुमार, राजेश कुमार, सत्येंद्र राम, गोलू राम, और एक और बच्चा था जो मर गया बेचारा राजेश कुमार, उसका भी नाम था राजेश राम शायद से। 11 आदमी मर गए और जिनका इलाज चल रहा है उनका नाम है प्रेम कुमार, सही है कि नहीं? उनका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनका भी पहले सही अस्पताल में नहीं इलाज चला, इसके वजह से उनका तबीयत जो है क्रिटिकल कंडीशन में चला गया, बाद में उनको जो है सही अस्पताल में एडमिट किया गया। जरा सोचिए, जाति के नाम पे वोट मांगने वाले नेता जो है इनका मदद करने क्यों नहीं आए? जो जो लोग मरे हैं उन सभी के गांव में मुखिया होंगे, उन सभी के गांव में नेता होंगे, उन सभी के विधानसभा में विधायक होंगे, उन सभी के लोकसभा में सांसद होंगे, क्यों नहीं आए वो लोग यहाँ पे हैदराबाद में मिलने? जब हमारे जैसा आदमी आ सकता है यहाँ पे तो वो लोग क्यों नहीं आ सकते हैं? अच्छा ये बताइए, आप लोगों का मदद करने के लिए कोई नेता, विधायक, सांसद फोन किया था? कोई भी नहीं किया था सर, हम लोग उल्टा में इधर ही से फोन किए थे बात करने को लिए, तब जाकर बाद में उधर से हम लोग का डिफोज मिला गाँव यहाँ पर बात करने को लिए, बॉडी को इधर उधर हटाने के लिए बात किए, हम लोग उल्टा इधर से फोन किए थे कैसा ऐसा हम लोग का एथी में। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों के परिजन के खाते में पैसा वैसा डाला गया अभी तक? नहीं डाला गया सर, अभी तक खाली डाला गया नहीं गया, अभी तक नहीं डाले गए। आप लोगों के घर पे कोई भी नेता मिलने नहीं गए थे? नहीं गया सर, नहीं गए थे, नहीं गए थे, नहीं गए, कोई भी नहीं गया। क्या बोल रहे हैं, कोई गया था मिलने? कोई भी नहीं गया था सर। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे मदद करने के लिए कोई नेता बिहार से आया था? नहीं, कोई नहीं आया था। बिहार के नेताओं को फुर्सत ही कहाँ है,
विधानसभा में एक दूसरे का कुर्ता फाड़ने से फुर्सत मिल जाए तब ना, टिकट फाड़ने से फुर्सत मिल जाए तब ना। बिहार के 11 मजदूर मर गए, इसके पहले भी मुजफ्फरपुर में कांड हुआ तो बिहार के ही मजदूर मरे, यानी बिहार में भी बिहार के ही मजदूर मरते हैं और बिहार से बाहर भी बिहार के ही मजदूर मरते हैं, लेकिन आर्थिक मदद के नाम पर जो है ना उन्हें किसी भी प्रकार का मदद नहीं दिया जाता है। हालाँकि 2-4 लाख रुपया सरकार देता है, लेकिन वो कब देता है किसी को नहीं पता है। लेकिन क्या वो 2-4 लाख रुपया से इनका परिवार चल जाएगा? नहीं चलेगा। हम लोग चाहते हैं कि अगर बिहार में या बिहार से बाहर किसी भी प्रकार का इंडस्ट्रियल हादसा में किसी भी बिहार का मजदूर का मौत होता है तो उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जाना चाहिए। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? उसके अलावा हम लोग चाहते हैं कि बिहार का मजदूर अगर बिहार में या बिहार से बाहर काम कर रहा है, पहले उसका लाइफ इंश्योरेंस 25 लाख का हो। पहला काम, जब तक उसका लाइफ इंश्योरेंस नहीं होगा तब तक वो किसी कंपनी में काम ना करे। और बिहार के गरीब लोगों से भी विनती करना चाहता हूं, आप उसी कंपनी में या उसी सेठ के यहां काम करें जो आपका लाइफ इंश्योरेंस कराए। सही है कि नहीं है? सही है, सही है। होना चाहिए कि नहीं? लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। जब जान देने की बारी आती है तो सबसे आगे जो है हम बिहारी खड़े हो जाते हैं, चाहे वो सीमा पे हो चाहे वो किसी कंपनी में हो। जब मेहनत करने की बारी आती है तो सबसे आगे जो है हम बिहारी खड़े हो जाते हैं, चाहे वो चावल की कंपनी हो, चाहे वो खेत हो, चाहे कबाड़ की कंपनी हो, चाहे टाटा हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे बाटा हो, चाहे कोई भी कंपनी हो। सही है कि नहीं है? सही है। तो जब मेहनत की बारी में सबसे आगे बिहारी खड़े हो जाते हैं, जान देने के लिए सबसे आगे बिहारी खड़े हो जाते हैं, तो बिहारियों को मदद करने के लिए नेता आगे क्यों नहीं आते हैं? सोचने वाली बात यह है। और इसमें से कितने लोग जो हैं वो करोड़पति है, आप लोग देखिए कितने लोग करोड़पति हैं। सभी लोग साधारण परिवार के बेचारा बीवस लोग हैं। अगर इनको इनके घर पे रोजगार मिल गया होता तो शायद यहाँ पे आके रोजगार नहीं करते ये लोग। कोई जरूरत नहीं था। अब इन लोगों से क्या पूछूंगे, आपको कितनी सैलरी मिलती है? 10 से 15 हज़ार रुपया में बेचारे काम करते होंगे ये लोग, उसमें से 5 हज़ार रुपया यहाँ पे खर्चा हो जाता होगा। घर से जब फोन आता होगा ना कि बच्चा बीमार है, बीवी बीमार है, माँ बीमार है, बाप बीमार है ना, तो कलेजा निकल जाता होगा इन लोगों का कि क्या होगा, कैसे पैसा आएगा। सेठ से जब पैसा मांगने जाते होंगे ना तो सेठ बोलता होगा कि अरे तुम्हारा तो बाप अभी 6 महीना पहले ही बीमार हुआ था, तुम्हारी माँ तो अभी 2 महीना पहले ही बीमार हुई थी। और ये लोग सही में बीमारी का बात करते होंगे ना तो भी कहता होगा सेठ तुम बहाना मार रहे हो, अगर घर चले जाओगे तो नौकरी से निकाल देंगे। ये झेलना पड़ता है कि नहीं आप लोगों को? सही बात है। ये कोई नेता नहीं झेला है, कोई नेता का बेटा नहीं झेला है, इसलिए ये दर्द को नहीं समझते हैं वो लोग। अगर दर्द को समझते तो कम से कम विपक्ष का नाम रोशन करने वाले आरजेडी के तेजस्वी और तेज प्रताप यादव यहाँ पे आते। मुकेश सहनी के भी जाति के 3 लोग मरे हैं, वो भी आ सकते थे यहाँ पे, मलाह के नेता बनते हैं। जनक नाम के एक कोई नेता है, टाइटल लगाते हैं, वो ऐसा टाइटल लगाते हैं कि अगर हम बोल दें तो केस हो जाएगा। इन्हीं लोगों के जाति के हैं वो लोग, वो भी आ सकते थे यहाँ पे। उनकी बेटी शायद से अभी MLC का चुनाव लड़ रही है, व्यस्त है वहाँ पे। यहाँ पे आके अगर सिर्फ और सिर्फ पैसा से मदद नहीं करते, कंधे से कंधे मिला के इन लोगों के साथ खड़े हो जाते ना, तो इन लोगों का थोड़ा सा दुख कम होता, सभी लोगों का। ये कौन समझेगा, क्यों नहीं समझते हैं हम लोग? यहाँ पे देखिए, ये हमारे महाराष्ट्र के भाई हैं, यहाँ पे बिजनेस करते हैं, मछली का दवा बनाते हैं। ये जो है इन लोगों के साथ खड़े रहे, क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों पार्टनर हैं और ये बिहार के, ये मदद कर सकते हैं। जब महाराष्ट्र का आदमी जो है यहाँ पे जो है इन बिहारी गरीब मजदूरों का मदद कर सकता है, तो बिहार के लोग क्यों नहीं मदद कर सकते हैं? उस दिन आप कितने बजे तक इन लोगों के साथ खड़े रहे? हम 12 बजे तक थे। जब हम गए थे कलेक्टर भी आए थे, कलेक्टर के साथ बात कर रहे थे। एक्चुअली हमें फ़ोन कॉल आया था बिहार से, जैसे उज्जवल कुमार ने हमें फ़ोन किया था कि ऐसा हमारे बिहार गांव से बच्चों का ऐसा हादसा हुआ है तो आप जाके एक बार विजिट करिएगा। हाँ, तो आप जाके एक बार विजिट करिएगा, क्या चल रहा है उनका, आप थोड़ा मदद करिए बोल के फ़ोन कॉल किए थे। तो हम तुरंत उसी समय हम चले गए थे हॉस्पिटल, जाके सभी लड़का लोगों से हम बात किए तो लड़का लोग हमें मॉर्चर रूम लेके गए थे, वहाँ पे बॉडी देखे थे। बॉडी तो पूरी तरह से बुरी तरह से जल गया था, ना पहचान भी नहीं पा रहे कि कौन किसका रिलेट हुए, इतना बुरी तरह से जल गया था। फिर बाद में कुछ देर का कलेक्टर साहब आए थे, कलेक्टर के साथ भी हम बात किए थे, वो बोले हैं हम लोग सब, कलेक्टर से मैं पूछताछ कर रहा था, कलेक्टर बोल रहे थे कि कोई बात नहीं है, हम लोग हमारे तेलंगाना के गवर्नमेंट से 5 लाख आपको मिलेगा और 2 लाख रुपये जो है मोदी के तरफ से मिलेगा। और बोला गया था ये बात, कलेक्टर ने अपने मुँह से खुद बोला गया था।
फिर बाद में जो कुछ भी है। 5 लाख रुपया अभी आप लोगों के खाते में आया है क्या, किसी के खाते में? यहाँ का सरकार बोला था पैसा आया है? नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? नेताओं को पेंशन मिलता है, नेताओं को तनख्वाह मिलता है और समय से पहले मिलता है। यहाँ पे मौत के बाद जो इनका हक का पैसा हुआ ना, वो भी नहीं मिला। आपको कब पता चला कि ये 11 बिहार के मजदूर जो है यहाँ पे हैदराबाद में, सिकंदराबाद में जो है वो आग के वजह से मर गए? सुबह 11 बजे पता चला। पुरुषोत्तमपुर गांव का एक लड़का था, उसके परिजनों द्वारा मुझे सूचित किया गया, तो हमने इमीडिएट इनको फ़ोन करके बोला जाइए थोड़ा हाल चाल देखिए और वहाँ पर जो लड़का है उनका थोड़ा हेल्प कीजिए। आपने बोला वहाँ पे जो लड़का है उनका थोड़ा सा मदद कीजिए। देखिए, धरती पे हम लोग पैदा होते हैं सभी लोग माँ के कोख से, और जब यहाँ पे पैदा होते हैं ना तो हमें जातियों में बांट दिया जाता है। धरती पे सिर्फ और सिर्फ दो ही जाति है, एक गरीब और एक अमीर, उसके अलावा कोई नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? निरंजन कुमार। अच्छा, ये बताइए, 5 लाख रुपया जो तेलंगाना सरकार के द्वारा मदद किया जाना था वो अभी तक मिला है क्या आपको? मिला है? नहीं मिला है। अच्छा, यहाँ पे कोई नेता आया क्या आप लोगों का मदद करने के लिए? नहीं, यहाँ नहीं आया है, हॉस्पिटल में आया था। कौन नेता आए थे? नाम तो नहीं जा रहे हैं। अपने यहाँ का बिहार का कोई नेता आया? बिहार का कोई नहीं आया था यहाँ पे। बिहार का कोई नहीं? नहीं, यहाँ का। यहाँ के नेता लोग आए थे हमें पता है, यहाँ के स्थानीय विधायक भी आए थे हमें पता है, लेकिन हमारे यहाँ के नहीं आए थे जिन्हें आना चाहिए। आए थे क्या हमारे यहाँ के नेता? नहीं आया था। आए थे क्या हमारे यहाँ के? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा, ये बताइए सुबह कितने बजे आग लगा था? 3:30 बजे करीब में। 3:30 बजे के करीब में। और वहाँ पे फायर की गाड़ी कितने बजे पहुँची? वहाँ 4 बजे फायर गाड़ी पहुँच गई थी। आधे घंटे तक आदमी जो है आग में जलता रहा। ज़रा सोचिए, अगर वहाँ पे फायर फाइटिंग का व्यवस्था होता पहले से ही, जैसे मॉल में लगता है, कंपनियों में लगता है, अगर वहाँ पे लगा रहता तो शायद आग लगती ही नहीं। आग लगने का कारण पता चला क्या आप लोगों को? सर, हम लोग को अभी तक मालूम नहीं, सूचना अभी नहीं मिला है। अभी वहाँ पे CCTV लगा था ना? हाँ सर, लगा है। तो CCTV लगा था तो नहीं पता चला क्या? कुछ भी नहीं पता चला। जाँच कराने को सर अभी तक जाँच नहीं हुआ है, अभी तक हम लोग का कुछ मालूम भी नहीं चला है। गरीबों के मौत पे यहाँ का बिजनेसमैन जो है ना वो अपना जेब भरते हैं। अगर ऐसा नहीं होता ना तो शायद जो है CCTV रिकॉर्डिंग जो है वो आउट किया जाता और तब पता चलता कि हाँ आखिर। अच्छा, ये बताइए कि कंपनी का मालिक को कुछ सजा वजा हुआ है कि नहीं हुआ है? सर, हम लोग का मालूम चला था जब आग लगा था। अभी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। वो लोग बाहर घूम रहे हैं। वो लोग बाहर घूम रहे हैं यानी कंपनी के मालिक को मतलब कि कोई पूछताछ नहीं? नहीं है सर, कोई भी कोई पूछताछ नहीं, वो बाहर लोग घूम रहे हैं ऐसे आजादी से कोई पूछताछ नहीं है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ और सिर्फ हम बिहार के गरीब मजदूर जो है ना, सिर्फ एक महीना, कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ एक महीना हम बिहार से बाहर नहीं आएंगे, हम लोग अपने घर पर रहेंगे, तब पता चल जाएगा इस देश के बिजनेसमैन लोगों को कि आखिर बिहारी मजदूर की कितनी ज़रूरत है। सही है कि नहीं है? सही है। सिर्फ एक महीना, एक महीना अगर हम सभी एक साथ बिहार में रह गए ना, सभी लोग ऐसा नहीं है कि आधे लोग घर चले गए और आधे लोग यहाँ पे काम करते रहे। अगर तो काम चल जाता है सर, आधे लोग जाते हैं आधे लोग रहते हैं, तो उस पर सेठ का चाहे मैनेजर का किसका भी काम चल जाता है। ये सहमत रहना चाहिए कि पूरे आदमी एक साथ मिलकर बिहार में रहे, अपना एकता मनाए। सिर्फ एक महीना अगर हम लोग बिहार में रह गए ना, तो देश के 56 इंच सीना वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी बिहार में जाएंगे और बिहार के गरीब मजदूरों से विनती करेंगे कि भाई अब चलो काम पे, सिर्फ एक महीना, और तब हमें सम्मान मिलेगा, तब हमें अपना हक मिलेगा, और तब हम कंपनी में अगर काम करेंगे और कोई दुर्घटना होता है तो हमारे परिवार वाले को कुछ सहारा मिलेगा। बिहार के मजदूर भाइयों से विनती करना चाहता हूँ, जितने भी मेहनती मजदूर हैं बिहार से बाहर जाके मजदूरी करते हैं, कम से कम आप कंपनी में काम करने से पहले इंश्योरेंस का नियम जान लें कि क्या होता है। उसके अलावा बिहार सरकार से भी विनती है और केंद्र सरकार से भी विनती है कि सिर्फ बिहार ही के नहीं, देश के किसी भी कोने के किसी भी मजदूर के साथ अगर दुर्घटना होता है तो उस राज्य में उसके परिजन को कम से कम एक नौकरी मिलना चाहिए। जैसे अगर बिहार के मजदूर के साथ अगर तेलंगाना में कोई दुर्घटना होता है तो उस मजदूर के परिजन को तेलंगाना सरकार नौकरी दे।
अगर पंजाब में होता है तो पंजाब सरकार दे, गुजरात में होता है तो गुजरात सरकार दे, अगर पंजाब के किसी मजदूर का मौत जो है बिहार में होता है तो बिहार सरकार उसे सरकारी नौकरी दे, तब वहाँ की सरकारें जो है ना मजदूरों का ख्याल करेगी, वरना मजदूरों को जो है ना ये सिस्टम की चक्की में हर बार जलाएगी और हम जलेंगे और चुप रहेंगे और हमारे आंखों का आंसू उन्हें नहीं दिखने वाला है। आगे चलेंगे उस कंपनी में भी और दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या हुआ था उस रात को और कैसे हमारे गरीब मजदूर मर गए और कैसे उनके मौत पे बिहार के नेता उफ तक नहीं किए, उनके आंखों में एक बूंद आंसू तक नहीं आया, उनके ट्विटर से एक ट्वीट भी नहीं हुआ और वो विधानसभा में कश्मीरी फाइल का फिल्म का टिकट जो है एक दूसरे पर फाड़ के फेंक रहे थे। कश्मीरी फाइल फिल्म का मैं समर्थन करता हूं और खुल के समर्थन करता हूं, मैंने 3 सिनेमा हॉल बुक कराया था और फ्री में लोगों को दिखाया था, लेकिन बिहारी फाइल भी बनाया जाए इसका भी समर्थन करता हूं और मैं बॉलीवुड के सारे डायरेक्टरों से विनती करना चाहता हूं कि एक बार आए और ये 11 मजदूरों के ऊपर जो है बिहारी फाइल फिल्म बनाए और बिहार में आए और बिहारी फाइल फिल्म बनाए कि बिहार के मजदूर जो है कितना कष्ट झेल के जो है ना देश को चलाने का प्रयास करते, अपने परिवार को चलाने का प्रयास करते और बिहार को चलाने का प्रयास करते। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, इन गरीब मजदूरों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में भी ज़रूर बताना, और देश का बड़ा बड़ा मीडिया हाउस जो सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए काम करता है वो भी थोड़ा सा 2 शब्द इनके बारे में ज़रूर दिखाना, ताकि जो है इनका दुख और दर्द जो है थोड़ा कम होने का प्रयास हो। और हाँ, कम से कम कंपनी से 10 लाख रुपया का मुआवजा, केंद्र सरकार 10 लाख, यहाँ का सरकार 10 लाख और बिहार सरकार 10 लाख रुपया दे, कम से कम 40-50 लाख रुपया मिलेगा तो शायद से इनका परिवार जो है वो स्टेबल हो सके, और उसके अलावा एक सरकारी नौकरी इनके परिवार वालों को मिलना चाहिए, कोई ज़्यादा मांग नहीं है। जब लाखों करोड़ रुपया जो है वो बड़े बड़े व्यापारियों का माप हो सकता है, तो क्या इनके परिवार वालों को एक सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता है जो आग बेवजह आग से मर गया, सही है कि नहीं? सही है सर, बेवजह कोई किसी को मालूम नहीं कैसा क्या हुआ, किसी को समझ में नहीं अभी तक जानकारी भी। अच्छा, नहीं आप लोग अभी किससे किससे बात किए हैं इन सब चीज़ों के लिए? अभी सर हम लोग वहाँ पे एक अफसर है, उनका नंबर है मेरे पास, तो उसी दिन हम बात किए थे, तो उन्होंने बोले डेड बॉडी छुपाने के दिन बात किए थे कि सर वो 5 लाख रुपया के जो सर बोले हैं वो मिला है कि नहीं मिला है, तो बोले हैं कि साथ ही साथ उन लोग का चेक दे दिया जाएगा। इन्होंने मिथिलेश जी और हम 2 आदमी थे, दोनों आदमी बात किए थे, मेरा पूरा आदमी वहाँ से लौट गया, रात हुआ हम बोले थे कि रात भर रहो मैं अपने आदमी से, कोई भी नहीं रहा, धरना प्रदर्शन के लिए बोले थे कोई भी नहीं रहा, मेरा आदमी सपोर्ट नहीं किया मेरे को। अब सोचिए बिहारी के समर्थन में बिहारी ही नहीं खड़े हुए, इनका कहना है मेरा नहीं, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो पूरा आदमी चला आया तो बड़ा साहब से हम लोग बात किए, तो बोले कि 3 बजे सुबह उन लोग का डेड बॉडी चला जाएगा, 3 बजे सुबह हम लोग रात भर उसी के चलते हम लोग 2 आदमी रह गए वहीं पे, वो गांधी हॉस्पिटल है वहाँ पे, तो वहीं पे रह गए, तो बड़ा साहब से बात किए तो 3 बजे करीब में 5 डेड बॉडी चला गया, उसके बाद 6 डेड बॉडी रह गया वहीं पे, तो हम पूरे आदमी को फिर दोबारा कॉल किए, तो फिर मेरा आदमी वहाँ पे चौंपा था, सुबह चौंपा था 10 आदमी, तो उन लोग फिर 6 डेड बॉडी था उसको फिर ले गया गया, तो हम सुबह पूछे थे बारह साहब। ये बताइए कि जो ये यहाँ से डेड बॉडी गया वो आप लोगों के प्रयास के वजह से गया कि बिहार के नेताओं के प्रयास के वजह से गया? ये हम लोग जो 2 आदमी जो प्रयास किए थे उसके वजह से यहाँ से डेड बॉडी हटाया गया। वहाँ पे बिहार के नेता तो बोल रहे हैं कि हम लोग डायरेक्ट वहाँ के CM से बात किए थे, वहाँ के मंत्री से बात किए थे, हम लोगों ने मदद किया है, वहाँ के नेता बोल रहे हैं, तो वहाँ के नेता सच बोल रहे हैं कि आप लोग सच बोल रहे हैं? सर वहाँ पर आकर बात कर रहा था ना सर, कि बोल रहा था कि पूछा गया कि लाश ले जाना चाहते हैं आप लोग, तो हम लोग बोले कि हाँ गांव लेकर जाते सर लाश अपने, तो बोला लोग कि ठीक है गांव तुम्हारा लोग के गांव में लाश भिजवा देंगे, हम लोग बात कर रहे हैं अभी, बात चल रहा है, बात करके तुम्हारा लोग लाश पहुँचा देंगे। बिहार के इन गरीब मजदूरों के बीच में से हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, साथ में इन गरीब मजदूरों के लिए क्या होना चाहिए इसके बारे में भी आप लोग अपना राय जरूर रखना। हैदराबाद से इन सभी लोगों के साथ सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।